आतंकवाद के मुद्दे पर कनाडा का दोगलापन एक बार फिर से देखने को मिला है। बता दें कि जो वीडियो आप देख पा रहे हैं कनाडा की सांसद का है, जहां कनाडा ने इस बार हद पार कर दी है। बता दें कि कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का महिमा मंडन किया गया और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बरसी पर कनाडा की संसद में एक मिनट का मौन रखा गया। और ये सब ऐसे समय पर हुआ जब इटली में G7 समिट के दौरान कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो शांति वार्ता में शामिल थे और पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे थे। एक तरफ ट्रूडो पीएम से मुलाकात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा भारत के पीठ पर छुरा घोंपने से बाज नहीं आ रहा था। देखा जाए तो आतंकियों को पालने और उन्हें सम्मान देने में कनाडा पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। कनाडा आतंकियों का नया ठिकाना बन गया है और इसी के चलते उसने अपने रिश्ते भारत से खराब कर लिए हैं। बता दें कि पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था और उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताते हुए इसे खारिज कर दिया गया था। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा का निज्जर को श्रद्धांजलि देने का मामला जब भारत के सामने आया तब भारत ने कनाडा को इसको मुंहतोड़ जवाब पेश किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम स्वाभाविक रूप से चरमपंथ और हिंसा की वकालत करने वालों को राजनीतिक स्थान देने वाले किसी भी कदम का विरोध करते हैं। इससे पहले खालिस्तानी आतंकियों द्वारा 1985 में एक भारतीय नागरिक विमान को उड़ाए जाने की घटना को याद करते भारत ने कनाडा का नाम लिए बिना ही कहा कि भारत आतंकवाद से निपटना अच्छे से जानता है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत आतंकवाद की समस्या से निपटने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।